हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स भावना रावत ब्लॉग्स। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, बहुत हाई उनके चार्जेस होते हैं, बट अगर आपके पास आप लर्निंग करना चाहते हो, आपके पास इतने कोर्स के पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आई एम अ डिजाइन ग्रेजुएट फ्रॉम BIT। ओके, आप अगर UX UI सीखना चाहते हैं तो कैसे आपको स्टार्ट करना है, कोर्स कहाँ से पिक करने हैं और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बट अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो कविता है ना मयंक ने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैंने कोर्स किया है, मैंने ग्रेजुएशन की है नॉर्मल एंड कोर्स किया है उसके साथ। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस एंड मेरे यूट्यूब की कुछ वीडियोज में एक कमेंट आया था कि दीदी मुझे ना जीरो से स्टार्ट करना है, आई मीन यूएक्स यूआई सीखना है एंड मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है। सो आज की वीडियो उस कमेंट से ही रिलेटेड होगी कि आप अगर यूएक्स यूआई सीखना चाहते हैं तो कैसे आपको स्टार्ट करना है, कोर्स कहाँ से पिक करने हैं और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो मैं जा रही हूँ ऑफिस एंड प्लीज वॉच फुल वीडियो एंड वहां पे मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे कि दीदी प्लीज बता दो। सो आप इस वीडियो में सब कुछ होगा, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड पूरी वीडियो देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, लेट्स गो। हाय कविता, कैन आई कम? यस। सो मैं ना वीडियो बना रही हूँ एक किसी चीज पे कि जो यूएक्स यूआई डिजाइनर होते हैं तो वो कैसे, उन्होंने मेरे पे कमेंट आया हुआ था कि आप यूएक्स यूआई डिजाइनर हो तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया और हम क्या करें, मतलब स्टार्टिंग में अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने क्या किया था? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि देयर आर मैनी कोर्सेज इन मतलब यूट्यूब में भी हैं और पेड भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, बहुत हाई उनके चार्जेस होते हैं, बट अगर आपके पास आप लर्निंग करना चाहते हो, आपके पास इतने कोर्स के पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में जो फ्री चैनल होते हैं वहां से भी लर्न कर सकते हो। मैंने जो अपना स्टार्ट किया था, एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरी दी यूआई डिजाइनर थी, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती थी, देन फ्री टाइम में कॉलेज के बाद मैं यूट्यूब में चैनल में सीखती थी, वैसे वैसे करके मैंने सीखा, देन मैं इंटरव्यू पे गई, फिर वहां पर मैंने 3 मंथ ट्रेनिंग ली। 3 मंथ ट्रेनिंग में वो पैसे थोड़ा कम देते हैं, बट आपकी लर्निंग मेन है, वहां से लर्निंग हो जाती है। तो एक इंटर्नशिप करी थी आपने? हाँ, वहां से मैंने बहुत सीखा, उसके बाद मैंने अपने जॉब चेंज करी। अच्छा, तो अगर कोई कोर्स आपने नहीं किया जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, तो यूट्यूब में ये क्या सर्च करें, ऐसा सिर्फ यूएक्स यूआई डिजाइनर? बहुत सारी आपको क्या करना है, ग्राफिक डिजाइन करना है, यूआईएस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिजाइनिंग में भी। मान लो आपको बैनर वैनर बनाने, ग्राफिक्स का काम करना है, आप उससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर। आपको यूआई यूएक्स जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है या वेब एप्लीकेशन, वो कर सकते हैं। एक बीए भी होते हैं जो यूजर रिसर्च करते हैं, आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, पहले ना अपने आपको ये डिफाइन करो कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, देन आप फिर उस लाइन में जा सकते हैं। तो जैसे मुझे बच्चे बोल रहे हैं आजकल कि मुझे यूएक्स यूआई सीखना है, तो सबसे पहले ना उनको ना बताना पड़ेगा कि क्या होता है यूएक्स यूआई, और वो लोग ना मतलब समझे कि अगर उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर कोई बोल देता है कि अच्छा ये प्रोफेशन चलने वाला है और अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो मैं भी यही कर लेता हूँ। बट उन लोगों को समझाना है कि अगर यूएक्स यूआई आपको करना है तो एक पहले छोटा सा कोर्स खरीद लो या यूट्यूब में कोई वीडियो देख लो, तो अगर आपको अच्छी लग रही है और आपका मन कर रहा है तब आप कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसे मिल रही है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तभी आप उस लाइन में बढ़ सकते हो। आपका स्टार्टिंग से मान लो इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आप उस लाइन में जा सकते हो। यूआई यूएक्स के भी अपना इंटरेस्ट होता है, जैसे हमें काम करने में बहुत इंजॉय करते हैं, हम काम करने में अपना इंटरेस्ट पक्का होना चाहिए, किसी भी लाइन में जाते हो। हाँ, तो आपने जैसे वो सीखा था ना खुद से, तो कितना टाइम लगा था आपको सीखने में? डिपेंड करता है आप कितने क्विक लर्नर हो, मैं तो क्विक लर्नर हूँ, तो मैंने 5-6 महीने में तो इतना सीख लिया था कि मैं इंटर्नशिप कर सकूं। 5-6 महीने मैंने कॉलेज के साथ सीख लिए थे, आप 2 महीने भी सीख सकते हो, 3 महीने में भी सीख सकते हो, जितना जल्दी आप सीख सकते हो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो इंटर्नशिप करनी ही पड़ती है, आई मीन जरूरी नहीं है, अगर आजकल जो बहुत बहुत हाई फाई वाले कोर्सेस होते हैं उसमें डायरेक्टली वो उसमें एक्सपीरियंस भी ज्वाइन कर, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपकी नीड है या नहीं है।
तो बस वही कुछ बच्चों के लिए कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, अगर आप पहले ही जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, जैसे कि आपने इंटर्नशिप के लिए, तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्या तैयारी कर ले उस क्वेश्चन? अभी 2024 है, मैंने दिया था, काफी टाइम हो गया मुझको दिए, 2017 उस टाइम पर अलग क्वेश्चन थे, अब अलग, लेकिन आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन तो पक्का पूछते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। फिर व्हाट इज यूआई, व्हाट इज यूएक्स, ये बहुत नॉर्मल, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे, इतने सारे इसके लोगों ने चैनल में डाले हुए, आप डालना इस वाली, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज ए बिगिनर, क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। फैशन के लिए ज्यादा नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, वही अगर जैसे जो इंटर्नशिप देना चाहता है ना, तो उससे क्या ही पूछते हैं, तो जैसे देते हैं वो छोटा मोटा, हाँ, टेल मी योर सेल्फ, और कोई टास्क दे दिया नॉर्मल, या कुछ भी ऐसा दे दिया, छोटा कुछ बताने के लिए दे सकते हो, कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो हेलो गाइज, ये है कविता और ये मेरी टीममेट है, और मैंने बस आप लोगों ने जो कॉमेंट किया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड मैंने इनको भी बोला कि चलो मैंने तो जैसे भी कोर्स वगैरह किया, तो इनका पर्सपेक्टिव, इन्होंने कैसे सीखा, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो कविता ने बहुत ही अच्छा दिया है, एंड कविता थैंक यू सो मच, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। हाय मयंक, अच्छा सुन, बहुत ही सीरियस बात है। सुन, मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मुझे कमेंट आया हुआ था, दी हमको ना जीरो से स्टार्ट करना है यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, इधर तो देख ले एक बार। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कैसे किया, जैसे कि कविता ने बताया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर दोगे? ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आपको कितना एक्सपीरियंस है? तो मेरी डेजिग्नेशन है, आई एम एसोसिएट यूआई यूएक्स डिजाइनर इन केवी टेक, एंड आई हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड आपके क्वालिफिकेशंस? आई एम अ डिजाइन ग्रेजुएट फ्रॉम बीआईटी। बीआईटी, या ओके। सो मेन क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ से कोर्स किया और कैसे सीखा यूएक्स यूआई? मैंने एक इंस्टीट्यूट है BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने डिज़ाइन कोर्स किया है। सो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई किया। तो वहाँ से आपने डिज़ाइन कोर्स किया था या UX UI पूरा सीखा? नहीं, वो डिज़ाइन कोर्स था, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ठीक है। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो वो आपको सिखाते हैं, लाइक एनिमेशन, 2D, 3D, गेमिंग, फोटोग्राफी, एवरीथिंग, देन आप उसके बाद अपनी फील्ड चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूएक्स यूआई आपने मेनली कहाँ से सीखा? इंटर्नशिप करी थी या कोई कोर्स किया था या ऑफिस में ही सीखा? नहीं, ये मैंने खुद ही सीखा है मेरे भैया से, UI UX, देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिए, देन। ठीक है, तो जो आने वाले जैसे है ना, जो छोटे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अभी अपनी ग्रेजुएशन ही खत्म करी हुई है, तो उन लोगों को कुछ बताना चाहोगे कि वो कैसे सीख सकते हैं? यूडेमी जैसे यूडासिटी प्लेटफॉर्म होते हैं, और यूट्यूब से सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? एक तो यूट्यूब है ही, आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं, और एक वेबसाइट है कोर्सेरा, जहाँ पे आपको UX का पूरा कोर्स मिलता है, वो पेड कोर्स है, आई बिलीव 600 और समथिंग लाइक का कोर्स है, आपको उसमें सब कुछ सिखाते हैं UX के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, आपकी क्लासेस होती है, आपके टेस्ट होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप उसमें सारी चीज़ें सीख सकते हो, UI एंड UX बोथ, वो बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो अभी सीखने वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास ही करे, तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे या कोई मोटिवेशनल स्पीच? नहीं, बस यही है कि अपना पैशन फॉलो करो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये चीज़ फॉलो करो, और नहीं हो तो नहीं हो तो जिसमें इंटरेस्टेड हो वो चीज़ करो। चलो ठीक है, थैंक यू। सब लोग जैसे कि घर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ घर, आज मैं जल्दी जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरी मीटिंग है 7:30 बजे क्लाइंट के साथ। तो ये जो वीडियो में आपने देखा, ये था जैसे कविता है तो वो एक्सपीरियंस है, तो मैंने उनका इसीलिए उनसे पूछा, पर्सपेक्टिव जानना चाहती थी कि उन्होंने कैसे सीखा है ये सब चीज़। तो ये सारी वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहती थी एज एक्सपीरियंस, एंड जो मयंक है वो भी एक्सपीरियंस है, बट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है लेट्स से, तो वो अपना वो उन्होंने कैसे सीखा है, उनका क्या अप्रोच है, तो ये सारी वीडियोस। एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो मैंने कोर्स किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया नॉर्मल, एंड कोर्स किया है उसके साथ यूनिवर्सिटी एंड यूडेमी से। तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से अगर कोर्स बाय करना है
Udemy का कोर्स बोलूँ तो वो 499-500 तक आ जाता है, बट Udacity का जो कोर्स है वो 50,000-25,000 इतने का आता है। अगर आपको एक्सपर्ट लेवल में सीखना है तो आप Udacity देख सकते हैं, एंड YouTube तब आपको, मतलब YouTube में क्या क्या आप वीडियो सर्च करोगे, UX UI पर सर्च करोगे तो पूरा नहीं बता पाएंगे, बट अगर आपको चीज़ें पता होंगी कोर्स से कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें सीखनी है, तब जाके आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो YouTube एक अलग वे में आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग वे होता है समझाने का। तो ये मेरा वे था आप लोगों को बताने का कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर अगर मैं आपको बताती कि मैंने कोर्स किया है ये वो, तो इतना आपके लिए फ़ायदा नहीं होता, बट जो लोगों ने एक्सपीरियंस, लोगों ने जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनसे भी पूछ के मैंने आपको वीडियो में इसलिए दिखाना चाहती थी ताकि आपको उनका भी पर्सपेक्टिव जानने को मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो ये रहा आज का व्यू, एंड सनसेट होने वाला है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ये इतना ही था इस व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे कैसे लोगों ने अपना कोर्स किया है, या कोई कॉलेज से डिजाइन सीखा है या कुछ भी, या ऑफिस में ही सीखा हुआ है। एक पर्सपेक्टिव ये था मेरा इस वीडियो में कुछ लोगों को इंक्लूड करने का, क्योंकि मैंने अपने कोर्स जो थे वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि मैंने ये कोर्सेस किए हुए हैं, बट अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो कविता है ना मयंक ने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा। कविता एक सीनियर डिजाइनर है जिनके पास 8 or 9 years का एक्सपीरियंस है, एंड वहीं पे मयंक जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक एक्सपीरियंस और एक थोड़ा कम एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी वीडियोस दिखा दी हैं, वो कैसे कोर्स किया है, कहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। एंड ग्रेजुएशन में कोई आपको ये नहीं है कि आपको बीएससी करना है, आपको बीटेक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करी हुई है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, या आप यूट्यूब में सीख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।